हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जारी है। गुरुवार को दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुरुवार की दोपहर दिल्ली से कुछ दूरी पर जब दोनों नेताओं का काफिला ग्रेटर नोएडा के करीब पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद राहुल और प्रियंका पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के लिए रवाना हो गए। बता दें कि प्रशासन ने हाथरस की सीमाओं को सील किया हुआ है, धारा 144 लगाई गई है। हाथरस में गुरुवार को हुए इस मामले में अब कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहेब थोरात ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का हम निषेध करते हैं। यूपी में जो हुआ हाथरस में, वो पीड़ित कुटुंब को मिलने के लिए, जो पीड़ित फैमिली थी उनको मिलने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी जा रहे थे, उसको जिस तरह से बर्ताव ये पुलिस का था, उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो अत्यंत निषेधार्य है। हम सब उसका निषेध करते हैं। बीसीएन न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।